हेलो, दिस इज हेमंत कोतारा एंड वेलकम टू द चैनल मिडनाइट बायोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्लास 10th के बच्चों से कि वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और एंड तक देखें ताकि उनको पूरा प्रोसेस समझ में आ सके। और फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। I would be more than happy to answer all your queries. So let's begin. To stay alive, all living organisms need to transport materials like food, water, and oxygen to various parts of the body. So ये एक बेसिक सी बात है कि अगर कोई भी, चाहे वो प्लांट है या कोई एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर अलाइव रहना है, जिंदा रहना है, तो उसको फूड, मटेरियल, वाटर, ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें हर एक पार्ट तक पहुंचानी पड़ेगी, हर एक टिश्यू तक पहुंचानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ। तो इसी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेन तो फूड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फूड से एनर्जी मिलेगी ताकि हर एक सेल, हर एक टिश्यू काम कर सके। और इस फूड को ब्रेक करने के लिए, उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल सके और वो प्लांट या ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल्स टू ऑर्गन्स दैट एक्सक्रीट देम। और उसके बाद में जो भी प्रोसेस हुआ, फूड पहुंचाया गया, ऑक्सीजन पहुंचाया गया, उसके बाद में इनका जो वेस्ट मटेरियल बचा है, जैसे कि फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का वेस्ट क्या और बचेगा एंड में रेस्पिरेशन के बाद में, तो एंड प्रोडक्ट रेस्पिरेशन का क्या होता है, CO2। तो वो CO2 को रिलीज करना है हमारे बॉडी से निकालना पड़ेगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालना पड़ेगा, जो डेड सेल्स हैं उनको निकालना पड़ेगा, उन सबको एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। तो इस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है from cell to the tissue or to the organ which excretes them out from the body. Next is there are various methods by which materials are transported in plants and animals. और इसके लिए, ये काम करने के लिए काफ़ी सारे mechanism हैं। plants के अंदर अलग mechanism है, animals के अंदर अलग mechanism है to transport the necessary foods and minerals from one place to another. So first of all हम देखते हैं transportation. और basically इस video के अंदर transportation, how transportation occurs in plants वो देखेंगे हम. So basically transport दो type से होता है, transportation in plants होगा और transportation in animals. तो जो plants होता है, उन plants के अंदर दो तरीके से होता है, ascent of sap and translocation. एसेंट ऑफ सैप क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और सेकंड टाइप होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो एनिमल्स में, वो दो तरीके से होता है, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम से। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। इस वीडियो में सिर्फ हम आज प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। In plants, the transport of material can be divided into two parts. So, दो parts में divide कर रहे हैं हम plants के अंदर transportation को. So, first part है the transport of water and minerals through xylem tissue. तो पहले तो दो तरह की चीज़ों को बांटना है हमें, एक तो water and minerals को और दूसरा food को. तो water and minerals को transport करने के लिए xylem tissue use होता है. ये बहुत important है, यहाँ पे काफ़ी बार पूछा जाता है board के exams में कि वो जाइलम क्या, फंक्शन क्या है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, या ऐसे पूछ लेंगे कि वाटर एंड मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम टिश्यू। तो ये 9th क्लास में आपने देखा होगा प्लांट टिश्यू के अंदर दो टाइप्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, प्लांट वास्कुलर टिश्यूज कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा है हमारे पास टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसे एसेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है।
अभी एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज एसेंट। एसेंट का मतलब ए मतलब कि कहीं नीचे से ऊपर जाना, फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर जाना उसे एसेंट कहते हैं, और डिसेंट कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से नीचे आना हो, यानी या ऊपर से नीचे आना। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, या इसको वाटर को क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे से ऊपर मूवमेंट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वाटर कहाँ अवेलेबल होगा प्लांट के लिए? सॉइल के अंदर, अर्थ के अंदर। तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? फ्रॉम डाउनवर्ड टू, फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और इसको करने के लिए क्या होता है, इसको करने के लिए दो तरीके के मैकेनिज्म काम करते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाना है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो इसको करने के लिए दो ये मैकेनिज्म है, एक रूट प्रेशर काम करता है और दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये दो मैकेनिज्म के थ्रू वाटर फ्रॉम सॉइल टू लीव्स पहुंचाया जाता है प्लांट्स के अंदर। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रूट प्रेशर क्या है। प्रेशर विच विद विच द वाटर इज पुश्ड अप बाय द जाइलम ऑफ द रूट्स एंड इज डेवलप्ड इन द जाइलम ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द रूट सेल्स। अब रूट प्रेशर होता क्या है? रूट प्रेशर होता है, सो इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती है हमारे प्लांट्स में, वो प्लांट्स के अंदर रूट्स जब होती है तो उसके अंदर एक वाटर का प्रेशर बना रहता है अर्थ में। वो कैसे बना रहता है? कोई भी चीज का एंट्री होगी किसी सेल में या टिश्यू के अंदर, तो किससे होगी? दो ही मैकेनिज्म से होगी, और वो है या तो डिफ्यूजन से या फिर नहीं तो ऑस्मोसिस से। अब क्या होता है कि रूट हेयर्स हैं, रूट्स तो जमीन के अंदर है। अब उनके रूट्स के अंदर जो जाइलम है जो ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके अंदर जो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, जो वाटर का लेवल है जाइलम के अंदर, वो कम है एज कंपेयर टू सॉइल। तो सॉइल के जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स, उस रूट्स के आसपास जो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं जो वाटर के, वो बहुत ज्यादा हैं और वो कंटिन्यूसली अंदर जाने की कोशिश करते रहते हैं कि कैसे ना कैसे जाइलम के अंदर पहुंच सके। तो एक वो प्रेशर बना रहता है, और दूसरा इस रूट प्रेशर को हम ट्रांसपिरेशन के साथ समझेंगे, कैसे एकदम से ऊपर जा रहा है वो प्रेशर और लग रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे बस इतना समझो कि प्रेशर, रूट प्रेशर क्या होता है कि रूट के पास में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा के रखते हैं, और कुछ एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से रूट सेल्स के अंदर वो पानी आ सके अंदर, और एक प्रेशर जनरेटेड रहता ही रहता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स मेनली अकर थ्रू स्टोमेटा एंड ऑल्सो थ्रू क्यूटिकल्स एंड लेंटिसेल्स। अब ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन है ये जो लीव्स हैं, एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स मतलब लीव्स। अब लीव्स के थ्रू जब भी फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है कि क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है और साथ में वाटर वेपर्स निकलते हैं, वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब जो वेपर्स की फॉर्म में वाटर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या, किसकी कमी आ रही? वाटर की। तो एक इसकी वजह से क्या होता है, द वॉटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स एंड, और होगा कहाँ से? स्टोमेटा से। अब तो क्या होगा दूसरा, कि यहाँ से वेपर्स की फॉर्म में वॉटर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिएट वॉइड क्रिएट हो जाता है, पानी की जगह क्रिएट हो जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब समझते हैं रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन को एक साथ। अब ये जो रूट्स हैं, इन रूट्स के पास में आसपास क्या पड़ा है? वॉटर पड़ा है। पर अब वो क्या चाहता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स रूट्स के अंदर आना चाहते हैं, पर एकदम से आएंगे कैसे? दूसरा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर तो ऑलरेडी होगा। अब दूसरा कहाँ जाना है? उस वाटर को यहाँ तक पहुँचाना है, ऊपर तक, प्लांट्स के हर एक एरियल पार्ट तक। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे प्लांट्स के पास में कोई इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है कि बटन स्विच ऑन करो और पानी यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये प्लांट खुद का एक मैकेनिज्म डेवलप करता है, सक्शन मैकेनिज्म, इसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इस ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है। क्या होता है उसके अंदर, कि यहाँ से वेपर्स की फॉर्म में वाटर इवेपोरेट होएगा। जैसे यहाँ से वाटर के फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में वाटर इवेपोरेट हुआ,
यहाँ पे कमी आ जाएगी, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से हर एक पार्ट से एकदम से हो रहा है, तो उस जगह को भरने के लिए एकदम से पानी क्या लगेगा, पुश लगेगा उसका, और वो पानी ऊपर आएगा। और ये पुश लगाने के लिए तो ये पुल क्रिएट कर ही रहा है, इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि वाटर ने यहाँ से भी अपनी फोर्स लगा रखी है अंदर आने के लिए, तो यहाँ से ये खींचता है ऊपर और यहाँ से ये धक्का मारते हैं, ये फोर्स, तो एकदम से पानी ऊपर चढ़ जाता है। अब इस मैकेनिज्म को हम दोबारा से एक और तरीके से समझते हैं कि आपने होली के टाइम पे पिचकारियां चलाई हैं, तो पिचकारी के क्या मैकेनिज्म है, सेम मैकेनिज्म है कि जो जब आप बकेट के अंदर डालोगे पिचकारी को, खाली पिचकारी को, तो वाटर ज्यादा है, पिचकारी के अंदर है नहीं वाटर, तो वो वाटर क्या चाहता है कि कैसे ना कैसे करके पिचकारी के अंदर घुस सके। अब अंदर घुसने के लिए क्या होता है, हम पीछे से वो उसका नोजल खींचते हैं और पानी अंदर आ जाता है। जब नोजल खींचते हैं तो उसके ढक्कन के ऊपर जहाँ से वो नोजल जुड़ा हुआ है वहाँ पे एक छेद होता है, जिससे क्या होता है कि पिचकारी के अंदर के जितनी भी गैस है, एयर है, वो एयर उस होल से बाहर निकलती जाती है और एकदम से वो पिचकारी के अंदर क्या क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए पानी बकेट से उस पिचकारी के अंदर अपने आप चढ़ जाता है, भर जाता है। तो सेम मैकेनिज्म यहाँ पर हो रहा है कि पहले रूट प्रेशर लगता है साथ में, और साथ में ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, और एकदम से जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो पानी जड़ों से लेके हर एक लीफ तक पहुंच जाता है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन एसेंट ऑफ सेल। अब बात करते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन जब हो रहा है तो इसके कुछ फायदे भी हैं, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। पहला इफेक्ट, इट हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड इट्स अपवर्ड मूवमेंट। तो पहला फंक्शन तो यही है, इस ट्रांसपिरेशन के होने की वजह से जो फोटोसिंथेसिस में ये जो वाटर इवेपोरेट हुआ है, इसकी मदद से एक तो क्या हो रहा है, वाटर अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर को जा रहा है पानी। दूसरा, इट हेल्प्स टू रेगुलेट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करेगा, यहाँ पे ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हीट के सीधी सूरज की किरणें इसी के ऊपर गिर रही हैं। अब जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा, तो हमने एक नेचुरल फेनोमेना पढ़ा हुआ है कि इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। तो जैसे ही इवेपोरेट होगा कोई सरफेस से, कोई भी सरफेस से अगर कुछ वाटर या कोई भी केमिकल इवेपोरेट होता है, तो वो जो सरफेस है वो ठंडा हो जाता है। तो इसकी मदद से क्या होगा कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है लीव्स, सन की तेज गर्म हो जाती होंगे यहाँ पे सेल्स, तो जैसे ही इवेपोरेशन होती रहती है तो ये लीव्स का सरफेस क्या रहता है, ठंडा रहता है और टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो फूड एंड अदर सब्सटेंसेस को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, दे ऑल विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड इज ट्रांसलोकेटेड। अब वो यहाँ पे ट्रांसलोकेटेड का वर्ड यूज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा यहाँ पे, ट्रांसलोकेटेड। ट्रांसलोकेटेड क्यों होगा वो दोबारा अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। सो फूड इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस, इसे क्या कहेंगे, सोर्स, टू द साइट ऑफ स्टोरेज, दैट इज सिंक, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। अब ट्रांसलोकेटेड का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज को पहुंचाना। अब एक जगह कहाँ थी, जहाँ पे फूड सिंथेसाइज हुआ है, बना है, और उस साइट को क्या बोलते हैं, सोर्स। और जहाँ पे उसको पहुँचाना है, ट्रांसलोकेट करना है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उस फूड को स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि फर्दर यूजेस के लिए, तो उस स्टोरेज प्लेस को, साइट को बोलते हैं सिंक। अब बनता कहाँ है, सोर्स को क्या है हमारा प्लांट के अंदर, लीव्स, और सिंक क्या है, अलग अलग जितने भी जो भी टिश्यू है जहाँ पे स्टोरेज करना पड़ेगा हमें फ्लोएम टिश्यूज, वहाँ पे हमें सेल के टिश्यूज को वहाँ तक सिंक तक पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस ट्रांसलोकेशन कैन बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन किसी भी साइड हो सकती है, प्लांट के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। बट यहीं पर एक बात आती है कि ट्रांसपीरेशन जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ वाटर, वो किस डायरेक्शन में होता है, तो वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे होगा भैया, नीचे तो पानी है, तो नीचे कहाँ पहुँचाना चाहते, जड़ों में, ऊपर ही पहुँचाना।
वो सिर्फ अपवर्ड होता है, बट फूड जो बना है हमें वो दोनों जगह पहुंचाना है। क्यों? लीव्स में ऊपर भी कुछ एरिया लीव्स हैं या स्टेम है, वहां पे भी फूड पहुंचाना पड़ सकता है, और नीचे रूट्स तक भी हमें फूड पहुंचाना पड़ता है। तो ट्रांसलोकेशन इज बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एंड ट्रांसपिरेशन इज यूनि डायरेक्शनल। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म, कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्लोएम टिश्यू के अंदर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिक्वायर्स एटीपी। हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि फूड जहाँ पे बना है वहाँ से हमें उस फूड को निकालना है, और निकाल के कहाँ पहुँचाना है, स्टोरेज टैंक तक, प्लेस तक, कि कहाँ पर उसको स्टोर करना है, किस टिश्यू में उसको स्टोर करके रखना है। इसको करने के लिए तो हमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, अब शुगर, शुगर जो कि फूड सिंथेसाइज इन लीव्स, नाउ लोडेड इन टू सीड ट्यूब्स, एंड आफ्टर दैट वाटर एंटर्स इन टू इट ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब ये होगा कैसे? तो शुगर है जो सिंथेसाइज हुआ है लीव्स के अंदर, अब वो लीव्स के थ्रू कहाँ पहुँचाया जाएगा, फ्लोएम टिश्यू में, और फ्लोएम टिश्यू के पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनमें से एक पार्ट होता है सीड ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब्स के अंदर वो लोड कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा, और जब वो उसके अंदर पहुंच जाएगा तो उसको थोड़ा सा मूवमेंट उसकी इजी करने के लिए उसके अंदर क्या डाइल्यूट करा जाएगा, उसको किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो वाटर ऐड हो जाएगा सीव ट्यूब्स में, क्योंकि सीव ट्यूब्स में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगी, बहुत ही लो होगी, और आसपास के टिश्यूज में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो ऑस्मोसिस का रूल कहता है कि हाई टू लो जाएगा, तो वाटर एंटर कर जाता है सीव ट्यूब्स में, और ये करना भी जरूरी है ताकि जो फूड है वो इजीली मूव कर सके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस सॉल्यूबल मटेरियल आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द फ्लोएम टिश्यू टू द टिश्यू विच हैव लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द फ्लोएम। अब ये कैसे मूव करेगा, किधर जाएगा ये जो फूड जो हमने सीव ट्यूब्स में एंटर किया था। अब ये जो सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर जब हुआ था फूड, वो अपने आप सेंस करेगा कि कहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, यानी कहाँ, वहाँ पे जहाँ पे शुगर की अमाउंट कम होगी, वो ऑटोमेटिकली जो सीव ट्यूब्स में शुगर पड़ी थी वो ऑटोमेटिकली उस प्लेस तक जाएगी जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लेसर है, कम है। तो इस तरीके से हमारा जो फूड होगा, जो शुगर होगा, वो लीव से अलग अलग टिश्यूज तक पहुंच जाता है। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो एक डायग्रामेटिक व्यू से समझते हैं, इससे आपको बहुत पिक्चर इजी हो जाएगी। ये है आपका सोर्स और ये है आपका सिंक, ओके। अब सोर्स में कहाँ बना, ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे फूड सिंथेसाइज हुआ, स्टोर कर दिया गया यहाँ पे। अब ये जो सुक्रोज है, शुगर, इसको सीव ट्यूब्स में डाला जाएगा। ये कंपेनियन सेल्स हैं सीव ट्यूब्स की, फ्लोएम टिश्यू की कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स से अब ये फ्लोएम की टिश्यू है। ये फ्लोएम कौन सा है, सीव ट्यूब वाला फ्लोएम। अब यहाँ से यहाँ लाया गया और यहाँ से फिर फ्लोएम टिश्यू के अंदर डाल दिया गया। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है शुगर की, ज़्यादा, पानी की बहुत कम। तो जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऑस्मोटिक वे से डिफ्यूज हो जाएगा इसमें, फ्लोएम में। अब फ्लोएम में यहाँ पे पहुँच गया, अब इसके पास में दो रास्ते हैं, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब ये सेंस करेगा कि कहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस टिश्यू में रूट सेल्स के पास में शुगर की शॉर्टेज है, तो क्या होगा, वो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, शुगर का बहुत कम होगा, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। तो वही नियम डिफ्यूजन का, ऑस्मोसिस का, फ्रॉम हायर लेवल टू लेसर लेवल। तो ये इस तरीके से इस सेल में आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और फिर जब यहाँ पे जाने लगेगा तो वाटर का एंटर करेगा नहीं, सिर्फ क्या करेगा, शुगर मॉलिक्यूल एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी होगा इसके पास में, रूट सेल्स के पास में। तो वाटर यहाँ से मूव कर जाता है जाइलम के अंदर, डिफ्यूज कर जाता है, और यहाँ से ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो पहुँच जाते हैं हमारे सिंक तक। तो यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी इसकी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड फूड इन द प्लांट्स।
सो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से इजीली समझ में आया हो सारे टॉपिक्स। एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो में इसको अच्छी लगी हो, इजी लगा हो समझना, तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।